नमस्कार, मैं डॉक्टर तनुश्री गहलोत बोल रही हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी यानी श्वास रोग विभाग में। हम लोग यहाँ यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ तक आज का विषय है, वो मैं डिस्कस करूँगी आपसे पोल्यूशन और जो मौसम का बदलाव है, सर्दियाँ आने वाली हैं सामने, उसके ऊपर कुछ विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI। ये क्या होता है? ये जो प्रदूषण के पदार्थ होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी मात्रा काउंट करी जाती है हवा में, और उनकी कितनी मात्रा है उस हिसाब से हवा कितनी साफ है आपके लिए और कितनी ख़राब, ये पता चलता है। तो नॉर्मल AQI 150-100 तक माना जाता है, लेकिन दिल्ली NCR का आजकल की डेट में अगर आप देखें तो 500-700 के आसपास ही मंडरा रहा है। ये प्रॉब्लम शुरू होती है जैसे ही आपका अक्टूबर का महीना आता है, यानी मौसम की हवा में बदलाव, और साथ में दिवाली का, जिसे कहते हैं कि दिवाली का जो फेस्टिवल आता है, इस पे कई लोगों के विचार हैं अलग अलग, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये जो समय होता है साल का, ये सांस के जो मरीज होते हैं उनके लिए तो सबसे बुरा माना ही जाता था, लेकिन आजकल नॉर्मल लोग जो आम पॉपुलेशन है उनमें भी इन चीज़ों की मात्रा बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम देखते हैं अपनी OPD में किस प्रकार के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, नाक में जलन, नाक के इन्फेक्शन, एलर्जीज बढ़ रही हैं, गले में सोर थ्रोट जिसे कहते हैं, गला ख़राब होना, इन जैसी बीमारियों के लक्षण बढ़ रहे हैं। दमे के मरीज हो गए, इनकी तो तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है इन दिनों में, इनहेलर की मात्रा, स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ने लग गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चे, जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़ वो, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ये जो तबका है समाज का जो कमज़ोर माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित यही होते हैं। तो क्या क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपनी तरफ से? एक तो आप जब बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। विभिन्न प्रकार के मास्क मौजूद हैं बाज़ार में, N95 हो गया आपका, और भी कई होते हैं, जैसे वॉग मास्क हो गया, वेंचूरी मास्क हो गया, ये अच्छे से आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको फिल्टर करते हैं। तो जब भी आउटडोर एक्टिविटीज़ पे आप निकले, वॉक पे निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मास्क पहन के ज़रूर जाइए। दूसरी चीज़, आप जो हैं अपने घर पे एयर प्योरीफायर के लिए सवाल बहुत पूछे जाते हैं, क्या ये इफ़ेक्टिव है क्या नहीं है, हमारी तरफ से यही सलाह है कि जो एट रिस्क पॉपुलेशन मैंने जो आपको बताई, अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं, दमे के मरीज़, दिल के मरीज़, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ या बुज़ुर्ग लोग, तो एयर प्योरीफायर घर में रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए कोई रिसर्च सपोर्ट नहीं करती कि एयर प्योरीफायर का कोई यूज़ है। फिर आप खान पान में अपने वो पदार्थ ज़्यादा लें जो एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल, बासी खाना मत खाइए, जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड करें, और उसके बाद आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा जाएंगे बॉडी में तो डिहाइड्रेशन से होने वाले पोल्यूशन के नुकसान कम होते हैं। और हाँ, जब भी आप घर से लौटें, अपने ऑफिस से घर पहुँचें, अपना फेस धोइए, हाथ धोइए, गागल्स करिए गर्म पानी से, इससे जो भी एक्सपोजर आपकी स्किन को और गले को हुआ है वो कम हो जाता है। और अब बात करें अगली तो उपचार के बारे में। उपचार तो पोल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका कम होना ही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर आपको उसकी वजह से आईज में सोरनेस हुई है या गले में खराश हुई है, तो अपना, जैसे मैंने रेमेडीज बताई, ज़रूर करिए, गुनगुना पानी पीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है, सांस फूल रही है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ये हो सकता है ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से आपको उसके नुकसान हो रहे हों। और दमे के मरीज़ जो होते हैं खासकर, उनको तो मैं ज़रूर कहूँगी सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाके इस टाइम पे स्पेशलिस्ट से ओपिनियन ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये निमोनिया हो सकता है, जानलेवा भी होता है कई बार ऐसे मरीजों के लिए, क्योंकि जितनी मात्रा में पोल्यूशन चल रहा है शायद ही देश के किसी शहर में नहीं मौजूद होगा आज की डेट में। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह ही लीजिए और इसको लाइटली मत लीजिए। और जहाँ तक आपका है पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसके बारे में आपके क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए अपने परिवार को लेके, अपने आप को लेके, इस पे कोई ढील मत जाइए। यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में हम आपको श्वास रोग विभाग में जो श्वास रोग विशेषज्ञ यानी मैं डॉक्टर तनुश्री आपको उपचार देने के लिए हमेशा तत्पर राजी हूँ,
उसके अलावा हमारे पास सब तरह के आधुनिक इक्विपमेंट्स मौजूद हैं उनकी डायग्नोसिस करने के लिए, इलाज करने के लिए, और जो भी आपको आगे मदद चाहिए उसके ऊपर गाइड करने के लिए। हम लोग यहाँ पे उच्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं जो आपको इन चीज़ों से डील करने के लिए मौजूद है। और पोल्यूशन से रिलेटेड या उसके उसको कैसे अवॉइड किया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सेफगार्ड्स कर सकते हो आप, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, उसके बारे में भी गाइडेंस हम ज़रूर देते हैं। धन्यवाद।